मंगलवार और शनिवार तेल का दिन होता है, सोमवार घी का दिन होता है, सवा पाव घी अगर प्रदोष काल में आप शिव मंदिर में चढ़ाते हैं तो घर में व्याप्त सब व्याधियां दूर हो जाती हैं। ऐसा महत्व होता है घी का। घी का सेवन बहुत पौष्टिक होता है और आपको लाभ देता है, लेकिन तेल भी कम लाभ नहीं देता। तेल का जितना दान करेंगे, तेल जितना घर में जलेगा, उतना ही आपकी बरकत चालू हो जाएगी। और आज मैं बताने वाली हूँ काजू के तेल के टोटके। जी हाँ, पंसारी के दुकान पे ये तेल आपको आसानी से मिल जाएगा और इस तेल का टोटका करने से आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। सभी तरह के जो तेल हम आपको बताते हैं वो पंसारी के दुकान पे आसानी से छोटी छोटी बोतलों में उपलब्ध होते हैं, तो इनको आप चमत्कारिक रूप से तांत्रिक क्रिया के काम में ले सकते हैं, अपनी अच्छे काम में भी ले सकते हैं। तांत्रिक क्रियाएं अच्छी ही होती हैं अगर भलाई के लिए की जाए तो, किसी दूसरे पर तांत्रिक क्रिया करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अपने प्रयोजन के लिए, अपने लाभ के लिए कोई भी तांत्रिक क्रिया आप करते हैं तो आपको इसके लिए अच्छा ही फल आपको मिलता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं काजू के तेल के ऐसे उपाय जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो काजू के तेल से आप बहुत सारा अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रूमाश्री। तो फालतू की बात ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं और काजू के तेल के उपाय बताना प्रारंभ करते हैं। पहला उपयोग सौंदर्य वर्धक है, मसूर की दाल को पेस लें। मसूर की दाल वैसे भी मंगल की होती है और वृश्चिक लग्न वाले अगर मसूर की दाल का फेस पैक ट्यूसडे को लगाते हैं, मेष लग्न वाले, कर्क लग्न वाले, सिंह लग्न वाले, धनु लग्न वाले और मीन लग्न वाले मसूर की दाल का फेस पैक लगाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसमें कुछ चंद बूंदें उनको काजू के तेल के मिला लेने चाहिए, तब उनको बहुत फ़ायदा होता है। जो मनुष्य शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं उनको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसमें कुछ बूंदें काजू के तेल की डाल देनी है और उसमें कुछ कॉइन डाल देने हैं, एक सिक्का भी काफ़ी है, और फिर अपना चेहरा देखकर छाया पात्र के रूप में उसको दान कर देना है। ये प्रत्येक शनिवार करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। काजू का तेल अगर आप नारियल के तेल में मिला देते हैं और उसमें कुछ गुड़हल के पुष्प डाल देते हैं और पका लेते हैं, उसको छान कर प्रयोग में लीजिए, इससे आपके बाल घने काले हो जाएंगे। लेकिन ये प्रयोग मंगलवार को भूल कर भी ना करें। हमने पहले वीडियो में आपको बताया है मंगलवार को आपको दीपक जलाना ज़रूर है लेकिन स्वयं तेल का प्रयोग नहीं करना है अपने शरीर पर। जो लोग कर्जा लिए हुए हैं और उनका कर्जा नहीं उतर पा रहा है वो लोग ये प्रयोग करें तो बहुत लाभ होगा। इसमें उनको क्या करना है, काजू के तेल का दीपक लगाना है और अपने घर या बिजनेस स्थल पर भी लगा सकते हैं। काजू का तेल का दीपक आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कुछ बूंदें इस तेल की अन्य तेल में मिक्स कर दीजिए और फिर बर्न कर दीजिए। काजू का तेल घर में अवश्य जलना चाहिए। एक आपको सादा नमक की डली लेनी है। सादा नमक की डली, साबुत नमक आता है ना सादा वाला, वो डली आपको लेनी है और काजू के तेल में और जो तेल आपने मिला के लिया है, सरसों का तेल या जो भी तेल आपने लिया है, उसमें डली डाल दीजिए और फूल बत्ती के दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए। और ये दीपक का काम आपको 41 दिन तक करना है। इस ये प्रयोग आपको बहुत लाभ देगा और आप देखेंगे कि आपका कर्जा मिट गया है और कर्ज आपका उतरने के मार्ग बनने लगे हैं और आपको रास्ता दिखाई देने लगा है किसी भी तरह के कर्ज को उतरने के लिए। एक और प्रयोग आपको बताते हैं, शनि संबंधी जो दान आप करते हैं डॉक्टर को वो तो कर ही लें, जो भी शनि की सामग्री है, अभी रिपीट नहीं करूँगी, विषय का विस्तार हो जाएगा, लेकिन उस सामग्री पर आपको कुछ काजू के तेल की बूंदें छिड़क देनी है और पोटली बना लेनी है। उसमें दक्षिणा भी अवश्य होनी चाहिए और दक्षिणा पर भी आपको काजू का तेल छिड़कना है और वो पोटली आपको डॉक्टर को दान दे देनी है। इससे आपको शनि की पनौती परेशान नहीं करेगी और शनि की साढ़े साती से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो हमने आज आपको बताए काजू के तेल के उपाय, अद्भुत उपाय, जो चमत्कारी उपाय, जो अनसुने उपाय हैं हमने आपको बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल डॉक्टर रूमाश्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की,
ये इन चीज़ों में अगर आपकी रुचि है तो ये चैनल आपके बहुत काम का है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।